तो कई बातें ऐसी होती है जो समझ में नहीं आती अच्छे से लोगों को, जो उनको भी नहीं आई थी, प्रधानमंत्री जी को भी नहीं आई थी। फिर अभी वो मणिपुर में बोल गए। आप बताइए मुझे, पार्लियामेंट के अंदर जा रहे हैं, 77 दिन हो गए, 77 दिन हो गए, उसके अंदर आपने ये सब नहीं बोला। 50 साल का मेरा अनुभव राजनीति का, अगर एक राज्य में आग लग रही हो पूरे राज्य के अंदर, आग मामूली नहीं हो, आग धधकती आग हो, उसके अंदर आपने जिस रूप में अपने को पेश किया, सुप्रीम कोर्ट के इंडिकेशन मिलते ही मेरे ख्याल सेकेंडों के अंदर बात खत्म कर दी, मैंने सेकेंडों के अंदर। और मुझे अफसोस है कि काम मणिपुर जल रहा है, कितने लोग मारे गए हैं, 150 लोग मारे गए, 200 मारे गए, 500 मारे, किसी को नहीं मालूम है, कोई 1000 लोगों की बात कर रहा है। वहाँ का मुख्यमंत्री कह रहा है कि आप तो एक रेप घटना की बात कर रहे हो, ऐसी 100 से अधिक घटनाएं हो चुकी है मेरे राज्य के अंदर, और पता नहीं अब आगे 1000 तो उन्होंने बताई, अब तो फिगर आ रहे हैं 3-4 हज़ार FIR लॉन्च हो चुकी है। तो कहने का मतलब है कि जिस प्रकार प्रधानमंत्री ने बिहेव किया और जिस प्रकार उन्होंने दुख प्रकट किया और कहा कि राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मणिपुर, और मुख्यमंत्री को मैं कहना चाहूँगा कि आप वहाँ पर ध्यान रखें। बताइए आप, ये प्रधानमंत्री जी ने राजस्थान के स्वाभिमान पर चोट करी है। कहाँ तो मणिपुर है जहाँ पर क्या नहीं हो रहा है, वहाँ क्या नहीं हो रहा है, और वो कहते 140 करोड़ जनता को संतान होना पड़ रहा है, 140 करोड़ जनता को संतान नहीं होना पड़ रहा है, वो तो दुखी है आपके सरकार के कारनामों से, आपकी विफलताओं से, आपकी लापरवाही से। एक बार गृह मंत्री जाके आ गए और तीसरी कर ली, जलते रहे, मरते गए, झोपड़े जल रही है, सब कुछ जल रहा है वहाँ पर, और जो रेप और जो घटनाएं जो आप देख रहे हो, क्या क्या नहीं हो रहा है, उनके बारे में आपने खाली चंद सेकंडों में अपनी बात खत्म कर दी। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत।